सत श्री अकाल एस एम जेड न्यूज देख रहे हो तुसी ते मैं हां निधि झा। आम आदमी पार्टी की सरकार जदों दी सत्ता च आई है किसी ना किसी मुद्दे नूं लैके विवादा च घिरी नजर आती है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार विवादा च घिर गई है ते उन्हां दा फैसला उन्हां ते ही भारी पै रहा है। कुछ दिन पहला ही आम आदमी पार्टी वालों यह फैसला लिया गया सी कि ग्राम पंचायतों नूं भंग कर दिता जाएगा। ग्राम पंचायतों वालों इस फैसले का पहला भी विरोध किया गया सी। उस तो बाद पटीशनर ने पटीशन दायर की ग्राम पंचायत वालों भी पटीशन दायर की गई है ते हुण कोर्ट ने भी फैसला ले लिया है ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया गया। विपक्ष भी इहदा विरोध करते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार वालों सूबे दीआं सारीआं ग्राम पंचायतों नूं भंग करन दा नोटिफिकेशन जारी करन तो हफ्ते तो भी घट समय बाद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले नूं रद्द करन दी मंग वाली पटीशन ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया है। पटीशन विच कहा गया है कि 10 अगस्त दा नोटिफिकेशन पूरी तरह गैर कानूनी है। बलविंदर सिंह ते होर पटीशनरां वालों दायर पटीशन ते सुनवाई करदिआं जस्टिस राजमोहन सिंह ते जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ते डिवीजन बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की है। पटीशनर ने कहा है कि पंजाब राज विच सारियां ग्राम पंचायतों नूं चुने गए नुमाइंदियां दे कार्यकाल की समाप्ति तो पहला गलत ते गैर कानूनी ढंग नाल भंग कर दिता गया। पटीशनर ने जनवरी 2019 विच अहुदा संभालिया सी। इस तरह उन्हां दा कार्यकाल जनवरी 2024 तक सी पर राज सरकार वालों 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों दीआं चोणां करवाउण दा फैसला किया गया। 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों दीआं चोणां करवाउण दा फैसला किया गया। हुण लगदा है कि पंजाब सरकार नूं इह फैसला महंगा पै गया। एक पासे पंचायतों वालों इस फैसले का विरोध किया जा रहा है तो दूजे पासे सियासी पार्टियां भी आप सरकार नूं घेर रही हैं। इस दे नाल ही सरकार दे इस हुक्म नूं अदालत च चुनौती मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज। सत श्री अकाल SMZ न्यूज देख रहे हो तुसी ते मैं हां निधि झा। आम आदमी पार्टी की सरकार जदों दी सत्ता च आई है किसी ना किसी मुद्दे नूं लैके विवादा च घिरी नजर आती है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार विवादा च घिर गई है ते उन्हां दा फैसला उन्हां ते ही भारी पै रहा है। कुछ दिन पहला ही आम आदमी पार्टी वालों यह फैसला लिया गया सी कि ग्राम पंचायतों नूं भंग कर दिता जाएगा। ग्राम पंचायतों वालों इस फैसले का पहला भी विरोध किया गया सी। उस तो बाद पटीशनर ने पटीशन दायर की ग्राम पंचायत वालों भी पटीशन दायर की गई है ते हुण कोर्ट ने भी फैसला ले लिया है ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया गया। विपक्ष भी इहदा विरोध करते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार वालों सूबे दीआं सारीआं ग्राम पंचायतों नूं भंग करन दा नोटिफिकेशन जारी करन तो हफ्ते तो भी घट समय बाद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले नूं रद्द करन दी मंग वाली पटीशन ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया है। पटीशन विच कहा गया है कि 10 अगस्त दा नोटिफिकेशन पूरी तरह गैर कानूनी है। बलविंदर सिंह ते होर पटीशनरां वालों दायर पटीशन ते सुनवाई करदिआं जस्टिस राजमोहन सिंह ते जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ते डिवीजन बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की है। पटीशनर ने कहा है कि पंजाब राज विच सारियां ग्राम पंचायतों नूं चुने गए नुमाइंदियां दे कार्यकाल की समाप्ति तो पहला गलत ते गैर कानूनी ढंग नाल भंग कर दिता गया। पटीशनर ने जनवरी 2019 विच अहुदा संभालिया सी। इस तरह उन्हां दा कार्यकाल जनवरी 2024 तक सी पर राज सरकार वालों 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों दीआं चोणां करवाउण दा फैसला किया गया। 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों दीआं चोणां करवाउण दा फैसला किया गया। हुण लगदा है कि पंजाब सरकार नूं इह फैसला महंगा पै गया। एक पासे पंचायतों वालों इस फैसले का विरोध किया जा रहा है तो दूजे पासे सियासी पार्टियां भी आप सरकार नूं घेर रही हैं। इस दे नाल ही सरकार दे इस हुक्म नूं अदालत च चुनौती मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज।